सारा फील्ड का एरिया। हाँ जी, मैं आपका अपना हैरी शोकंद और आपके अपने यूट्यूब चैनल लघु शोकंद ब्लॉग के ऊपर फिर से एक नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ स्वागत करता हूँ। ले भाई, अभी नहा धो के तैयार हो गए हैं और फिलहाल के लिए ऑफिस में जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं आज का क्या कुछ प्लान रहता है। जी ले भाई, निकल रहे हैं एक बार अपना हॉस्पिटल में जाके आना। मौसा जी वहाँ एडमिट है और मौसी को भी लेके जाना है, तो रोटी वगैरह उनकी देके आनी है, तो गाड़ी भी वहीं छोड़ के आएंगे अपनी। कुछ स्कूल जा रहा है, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है भाई। भाई ऑफिस आके डीजल डलवा के जा रहे हैं अभी कहीं पे। ले भाई, ये ऑफिस है एक और यहाँ पे कोई काम वगैरह आए थे ऑफिस का, तो अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे टोहाना की तरफ। पहले जाएंगे नरवाना ऑफिस, नरवाना ऑफिस से टोहाना जाएंगे, तो देखते हैं क्या कुछ हालात हैं वहाँ के। अभी नरवाना ऑफिस में आ गए हैं, अभी थोड़ी देर में जाएंगे टोहाना की तरफ, देखते हैं वहाँ पर से क्या हालात हैं। ले भाई, टोहाना आ गए हैं अपने और देख रहे हैं वहाँ बाढ़ का कैसे क्या हालात है। अभी चारों तरफ पानी फल्ड का, यही साइड भी भाई ये सारा रंगोली नाले का पानी है गंगर का। भाई आर्मी की गाड़ी आई हुई है यहाँ पे। ले भाई, एक ये नाला चल रहा है गंगर का पानी, इसमें से अभी भी आगे जा रहा है फतेहाबाद की तरफ। ले भाई, अभी दिखाते हैं यहाँ फरीदाबाद के रंगोली नाले के जहाँ से ब्रिज हो रहा है वहाँ के हालात कैसे क्या है। ले भाई, यहाँ प्रशासन वगैरह की सारी गाड़ी वगैरह खड़ी है और ये मजदूर वगैरह उसके बीच को बंद करने के लिए लगे हुए हैं। जाके देखते हैं वहाँ क्या हालात है, आपको भी दिखाते हैं। ले भाई, लोग लगे हुए हैं यहाँ पे देखो, ये बंद करने के लिए। ये नाला आगे जाके ब्रिज है और ये लग रहे हैं सेवादार अपने खाना पीना देने के लिए। ले भाई देखो, लेबर कती मरेगा वाले के रेल बना रखे कती, देखो कैसे लग रहे हैं। ये देखो भाई, अब भी पानी की स्पीड कितनी ज़्यादा है। और देखो ये भाई मजदूर वगैरह लगे हुए हैं और कट्टे ये पानी के भर के रखे, ये पूरा भी सा भाई अभी बांध बना दिया है। देखो अभी भी पानी की स्पीड पूरी ज़्यादा है। ये देखो भाई, पूरा फतेहाबाद का यहाँ इसी ब्रिज से पानी जा रहा है आगे टोहाना का, और ये पूरा फतेहाबाद का एरिया है और ये लेबर वगैरह लगी हुई है मनरेगा की, और अभी भी और आ रहे हैं लोग कट्टे ले लेके और सेवादार आ रहे हैं खाना पीना लेके, सरदार जी अपना सिख भाई। अब देखो भाई, अभी तो पानी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है क्योंकि देखो इतना इतना पानी था यहाँ पे, तो रात वरी खबर है अभी के लिए पानी कम हो गया है। और अभी बांध को बांधने लग रहे हैं और आगे चल के दिखाते हैं आपको कितना बड़ा ब्रिज है अभी बाकी है जो बंधना। ले भाई, खींच रखी है तैयारी, तो पूरी मेहनत से लोग लगे हुए हैं। देखो पानी अभी भी ऐसे पूरे फ्लो में आ रहा है पीछे से, क्योंकि यहाँ रास्ता बन गया ना। और ये पूरी की पूरी फसलें बर्बाद कर दी भाई नाले ने, और ये लोग लगे हुए हैं अभी बांधने के लिए। देखो आ रहे हैं अपने, और पानी का देखो वहां से पानी जा रहा है पूरी स्पीड है पानी की भाई, और ये लोग लगे हुए हैं काम में। ये प्रशासन भी आया हुआ भाई यहाँ पे और लग रहे हैं बांध बनाने। ये बांध बना दिया भाई, यहाँ से पूरा बीच था ये, और ये स्पीड देख लो पानी की पूरा पूरा जा रहा है। मोर्चा संभाल रखा हुआ यार, मैं आई हुई है यहाँ पे। ये भाई आर्मी लगी हुई है, एसडीएम वगैरह सारे खड़े हुए हैं प्रशासन। ये देखो भाई, इतना बड़ा बीच हो रहा है, चलने लग रहा है पानी।
और अभी दिखाएंगे यहाँ पे, अभी चली हुई है यहाँ मजदूरों के साथ और ये आर्मी वगैरह सारे खड़ी हो रही है प्रशासन। ले भाई इतना बड़ा ब्रिज हो रहा है यहाँ पे, देख सको कितना फ्लो बन रहा है पूरा, और ये पूरा खेतों में भर रहा है। देखो यहाँ पे पूरा गांव की तरफ जा रहा है, फतेहबाद की तरफ जा रहा है, और ये लगे हुए हैं लोग। पूरा कितना बड़ा कट है, बहुत ज्यादा पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हुआ है और इतना ज्यादा स्पीड बनी हुई है। और ये देखो आस पास का पूरा एरिया कर दिया, और ये लोग सुबह से लगे हुए हैं अपने। ले भाई अभी इसका बांधा जा रहा है, इसको बंद किया जाएगा इस बीच को, और ये बीच बंद होगा तभी जाके फल रुकेगी, नहीं तो पूरा फतेहबाद डूब जाएगा। और यही बीच है भाई जो इस साइड का, देखो पूरा एरिया जगमग, जहाँ तक भी देखा नज़र जा रही है ना, पानी पानी नज़र आ रहा है, और लोग अपने खेतों में जा रहे हैं पानी के अंदर से, डैणियों वाले। ये भाई मैंने देखा कि मजदूर लगे हुए हैं, कट्टे देखो कितने भर रखे हैं मिट्टी के, ये इसको बंद करने के लिए। ये एक और कट आ गया, देखो ये मिट्टी वगैरह आने लग रही है, और वो सामने टूटी हुई है, देखो कितना बड़ा ब्रिज है। तो अभी प्रशासन लगा हुआ इसको बंद करने के लिए, कितनी मशक्कत कर रहे हैं, और चारों तरफ ये भाई सारा टुआना और फतेहबाद की तरफ जा रहा पानी, लोग लगे हुए हैं जी। ले भाई अभी टुआना से आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए, रात हो गई है, तो अभी आके बस घर पे कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, तो अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और भाई बुरा हाल हो रहा है बाढ़ से, हरियाणा के फतेहबाद में भी चारों तरफ फतेहबाद और टुआना गांव के गांव पूरे पूरे डूब चुके भाई, गांव डैणी सब कुछ तबाह हो चुका है। तो प्रे करे भाई, ये तो शुक्र है वैसे बारिश नहीं है इस एरिए में, मोस्ट मतलब पूरे हरियाणा में इतनी बारिश नहीं है, ये पीछे का पानी आया हुआ है। तो भाई सब प्रे करें सब कुछ ठीक हो, और तब तक के लिए आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट लाइक और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद आप सबका।